हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कुछ तो गुलदाउदी खिलने लगी हैं, देखिए पता चल गए हैं। ये तो मुझे कंफर्म था ये रेड है, पर इसमें देखिए अभी एफिड कितने हो रहे हैं। तो ये कुछ तो खिल गई हैं, ये देखिए पीली है, ये गोल्डन वाली है जो शेडेड रेड और येलो का कॉम्बिनेशन था। ये कुछ तो खिल गई हैं, ये काफ़ी टाइम से खिली हुई है, करीब 10 दिन हो गए, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इधर ये भी खिल गई हैं, बट कुछ खिलना बाकी है। ये भी रेड है, इस बार रेड बहुत हो गया क्योंकि मैंने शायद में रेड मैंने काफ़ी बचा लिया था, तो वो काफ़ी बच भी गया है। ये देखिए शायद ये हार्डी प्लांट होता है काफ़ी, तो ये देखिए ये रेड है, ये कई एक प्लांट हो गए मेरे, एक इसमें है और एक वो है। ये भी रेड ही निकल रहा है, देखिए वाला भी रेड ही निकल रहा है। तो 5 ये हो गए, 6 उधर थे, 6ठा उस साइड में था। तो ये रेड मेरे पास काफ़ी निकल आए हैं, अभी कुछ खिलने को रह गई है, जैसे ये खिलने को रह गई है। लास्ट ईयर मैंने 3-4 खरीदी भी थी, अब वो पता नहीं कब खिलेंगी नहीं खिलेंगी, है भी या नहीं बच पाई हैं। ये वही वाइट, वही ये पम्पम वाली येलो है, ये डिफरेंट येलो है, और ये भी येलो ही निकल रही है। अभी इसमें नहीं खिली है, इसमें नहीं खिली है, तो और ये इधर इसमें नहीं खिली है, तो कुछ नहीं खिली है, कुछ खिल गई हैं, कुछ के कलर पता चल गए हैं, पर देखते हैं कौन सा कलर कब निकलता है। एक येलो वो है, वो देखिए कुछ शायद ख़राब भी हो गए थे मेरे यहाँ, मर गए थे कुछ प्लांट गुलदाउदी के बरसात के सीज़न में। ये स्पून वाली है, ये भी चलो बच गई है। ये कुछ वाइटिश लगता है इसमें शेड, ये है, और एक ये है, ये पर्पलिश है जो आती है, वो है जो लास्ट ईयर में लेके आई थी वो नहीं बची है, ये हर साल बच जाती है वही बची है। लास्ट ईयर ग्रीन लेके आई थी, एक ये पॉम्पम वाली बच गई है, ये भी मैं मेरे पास लास्ट ईयर भी थी, बाय नहीं की थी। और ये तो पर्पल है ही है, ये भी पर्पल है, तो ये दोनों तो हैं पर्पल ही। अब बाकी मुझे लग रहा है नहीं बची हैं, सब ख़त्म ही होगी जो खरीद कर लेके आई थी। तो इस बार मैं बिल्कुल नहीं खरीदी, सिर्फ एक ही खरीदी थी, वो भी ये वाली खरीद के लाई थी, ये वाली बस, और नहीं खरीदी थी इस साल, और ना मैं अब खरीदूंगी क्योंकि जगह तो है नहीं लगाने की। और मन का क्या है, मन तो बहकता ही रहता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ये देखिए ये बच गई है, ये भी मुझे लग रहा है पर्पलिश होगी, पर्पल वाली जो वो वाइट वाली स्पून वाली लेके आई थी वो सब ख़त्म हो गई, कोई भी नहीं बची है। और ये वो वाइट है, और वाइट वो उधर खिल रही है, ये मैंने इसमें मिट्टी में दबाए थे ना, ऐसा हुआ था ये मिट्टी में मैंने दबाई थी, मिट्टी में दबा के ऊपर से प्लांट लगा दिए थे, तो वही फिर से ग्रो हो गई है। तब देखो ये काफ़ी, हाँ कोई पता नहीं कौन कौन सी हो गई हैं, जो बचाई थी वो तो नहीं बची और जो दबाई थी वो निकल आई फिर से। तो ये हार्डी प्लांट होते हैं, ये काफ़ी जो बच गई हैं दबने के बाद भी मिट्टी के नीचे फिर से निकल आई, तो ये काफ़ी हार्डी होता है ये वाला प्लांट। तो ये कुछ निकल आई, कुछ रह गई हैं, और देखो और कौन कौन सी बचती हैं, कुछ नहीं खिली है, उन्हें पता चल जाएगा कौन सी है कौन सी नहीं है, कुछ दिनों में ही खिल जाए पता चल जाएगा। ये भी अभी नहीं खिली है, देखो कौन सा कलर निकलता है इनमें, ये अब खिल रही हैं, अच्छे तरह से खिल रही हैं ये, पर फिर भी सूखने लगी हैं कुछ कुछ ब्रांचें इनकी। तो ये कुछ गुलदाउदी बची हैं, कुछ नहीं बची हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अब मैं फ़िलहाल अब ख़रीदने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना मूड हो रहा है ख़रीदने का, जो दो खिलती हैं। इस बार मैं एक ही एक सेट चेंज कर रखूँगी, एक ही की पॉट भरूँगी नहीं, इसलिए एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने एक ही एक रखा था, ज़्यादा रखे होते तो शायद बच जाते। बाकी सब मैंने मिट्टी में दबाए थे वो सब निकल गए, फिर से ग्रो हो गए, तो ये दिक्कत हो गई, वरना कोई ज़्यादा मूड नहीं था मेरा। ये छोटी छोटी से पम्पम टाइप के, पम्पम तो नहीं है पर ये छोटे में मिनी वाले हैं, ये बड़े वाले थी मैं लास्ट ईयर बड़ी वाली कई एक लेके आई थी स्पाइडर वाली जो होती नहीं है वो मैं कई एक लेके आई थी, 3-4 लेके आई थी, उनमें से बस कोई भी नहीं बची है। अभी ये देखते हैं खिलती हैं कौन सी है, ये भी मुझे रेड ही लग रही है, देखिए रेड या पर्पल होगी। तो ये बहुत सारी हो गई हैं, पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन कौन सी निकलती है कौन सी नहीं आती है। मैं ख़रीदने नहीं जाऊंगी फ़िलहाल, जो है उनमें संतुष्टि करूंगी। देख रहे हैं आप, बिल्कुल रखने की जगह नहीं है, एक के ऊपर एक गमले रखे हुए हैं। देखो ये छोटी छोटी सी, ये मिनी सी,
ये भी वही लग रही है मुझे, ये वाली भी, ये देखो कितनी छोटी छोटी सी है फैली हुई। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ही हो गई है। एक ये भी नहीं खिली है अभी, एक ये वाली भी नहीं खिली है। ये देखो ये कौन सी निकलती है, तो एक ये है। इस समय एफिड ने बहुत तंग कर रखा है, मेरे तो मन गार्डनिंग से हट गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है एफिड ने, बहुत ज़्यादा दुखी किया है एफिड ने सच में। तो मैंने अभी मंगाई है कई एक, मैं एफिड के डाल चुकी हूँ और ये राख भी डाल ली है, हर चीज़ डाल ली है, ट्राई कर ली है। देख रहे हैं गुलाब की कंडीशन क्या कर दी है, इस बार बहुत बुरी हालत कर दी है प्लांट की। ये भी वाइट ही है, देख रहे हैं ये। तो ये कुछ मेरे पास जो बहुत हार्डी हैं वो बच गई हैं। ये भी मैंने इसके अंदर दबा दी थी, रजनीगंधा ऊपर से लगा दिया था, तो रजनीगंधा में तो फूल नहीं खिले, ये निकल आई फिर से। बहुत दुखी किया ये, इसने इस बार एफिड ऐसे परेशान कर रहे हैं। एक्जोरा में देखिए ये पूरे एफिड है। आज मैंने बहुत ढेर सारा पानी डाल के साफ़ की थी, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इधर इसमें भी बहुत लगी है, एक्जोरा में भी बहुत बुरी तरह से लगे हैं और इसमें भी एफिड बहुत लग रहे हैं। ये देखिए सारी काली काली पत्तियाँ हो रही हैं, ये देखो आप। तो मन हट गया है गार्डनिंग से क्योंकि केयर बहुत करनी पड़ रही है, या ये कहो प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है केयर करने में। तो मैं प्लांट और ख़रीद कर नहीं लाऊँगी, ये वाइट है। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट ईयर मैंने बहुत ढेर सारी लगाई थी गुलदाउदी, कुछ ख़रीद के लाई, कुछ लगाई, पूरा ये मैंने पूरी एरिया पूरा यहाँ से वहाँ तक दो लाइन लगाई थी इसकी गुलदाउदी की, मगर अब मन हट गया, अब नहीं लगाऊँगी क्योंकि वही कलर निकल आ रहे हैं, वही बच जा रहे हैं। देखिए ये वाइट, एक ये बचा है वाइट, एक वो बचा है वाइट, एक वो बचा है वाइट, और एक उधर लगा के दिखाया मैंने अभी बिल्कुल कॉर्नर पे। तो ये वाइट कई एक हो गए हैं, मरून कई एक हो गए हैं, ये वाले ये मरून ये कई एक हो गए हैं, और कुछ तो मर गई मेरी, ये हमेशा रहती है, ये कभी नहीं जाती। तो ये 5-6 कलर बचे हैं, बाकी तो सब ख़त्म हो गए। अब और ख़रीद कर लाने का मूड बिल्कुल नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहो, खुश रहो, हैप्पी गार्डनिंग।